दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है। ड्राइवर को हमेशा अपनी जान हथेली पर रखकर ही गाड़ी चलानी पड़ती है। आपको आज हम ऐसी ही सड़कों के बारे में बताएंगे जहां आपको अपनी जान हथेली पर रखकर गाड़ी चलानी पड़ेगी, या आपको गाड़ी चलाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 10, हम चिल्स क्रॉसिंग जीसम रोड की बात करने जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे डेडलीस्ट रोड है। इस क्रॉसिंग को चिल्स क्रॉसिंग रोड कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक रोड है, क्योंकि इसके पास जो नदी है, इसमें खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। मगरमच्छ हमेशा इस रोड को घेर के रखते हैं। एवेंजर्स का कहना है कि इस नदी में करीबन 120 मगरमच्छ हैं। मगरमच्छ पानी में बहते बहते रोड पर गाड़ी के सामने आ जाते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इसीलिए इस रोड पर गाड़ी चलाने के लिए एक ट्रेन ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब पानी का बहाव ज्यादा होता है तो वो गाड़ी को भी अपने साथ बहा लेता है। दोस्तों, इस खतरनाक सड़क के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 9, पांगी वाया किश्तवाड़ रोड। इस रोड को देखने पर ही आपको झटका लग रहा होगा। ये रोड सबसे खतरनाक रोड है। इस रोड को दुनिया का सबसे जानलेवा रोड माना जाता है, और इस रोड की खास बात ये है कि ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही बना हुआ है। हिमालय पर बने इस रोड पर आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का नज़ारा देखने को मिलेगा। कमाल की बात ये है कि इस रोड पर एक समय में एक छोटी गाड़ी ही आगे चल सकती है, और सामने से अगर कोई साधन आ जाए तो दोनों में से एक साधन को कई किलोमीटर तक अपनी गाड़ी को बैक करना पड़ता है। खतरा यहीं पर खत्म नहीं होता। बारिश के कारण यहाँ होने वाले भूस्खलन आम बात है। यहाँ पर हर साल अनगिनत हादसे होते हैं, लेकिन कुछ दिलदार लोग यहाँ जाने से नहीं कतराते। नंबर 8, राइटिंग रिवर ब्रिज। दोस्तों, साइबेरिया का ये ब्रिज दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज में से एक है। जमीन से लगभग 15 मीटर ऊपर बने हुए इस ब्रिज पर चलते हुए अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी ब्रिज है। इस ब्रिज को बनाने में जिन लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। जिन लोगों का दिल कमजोर है वो इस ब्रिज पर ना चले तो ही अच्छा है। इस ब्रिज पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। पतली ट्रैक होने की वजह से इस ब्रिज पर संभल कर चलना पड़ता है। अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक हुई तो आप पानी में गिर सकते हैं। नंबर 7, पैसेज दू गोइस, जो दुनिया का एक ऐसा रोड है जो फ्रांस के दो आइसलैंड को जोड़ता है। इस रोड को प्रकृति का अद्भुत नमूना कहा जाता है, जिसमें प्रकृति अपनी पावर से इस रोड को 2 बार पानी से दिन में ढक देता है। यानी कि कह सकते हैं कि दिन में कुछ समय के लिए ये सड़क गायब हो जाती है। ये सड़क लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह का एक और पैसेज कोरिया में भी है, लेकिन वो 3 किलोमीटर लंबा है, और यहाँ बहुत ही फेमस और नेचुरल वंडर है। दिन के कुछ ही घंटे इस सड़क पर आप गाड़ी चला सकते हैं। बहाव के वक्त सड़क को सील कर दिया जाता है। ये सड़क जितनी ही सुंदर लगती है उतनी ही खतरनाक है। अगर आप इसमें फंस गए और लहरें आ गई तो बहाव आपको समुद्र में भी डुबा सकती है। नंबर 6, टियानमेन माउंटेन रोड। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये जमीन से शुरू होकर पहाड़ियों तक घूमते घूमते जाती है। ये सड़क 11 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसका एंड 1100 मीटर ऊंचाई पर खत्म हो जाता है। गाड़ी चलाते समय आपको 99 यू टर्न मिलेंगे। इस वजह से आप सामने से आने वाली गाड़ियों को नहीं देख सकते हैं। इस सड़क पर ड्राइव करना अपनी जान को हथेली पर रख कर चलने के बराबर है। इस सड़क के किनारे बैरियर तो लगे हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा स्पीड में हैं तो आपको गिरने से कोई नहीं बचा सकता। एक कंपनी लैंड रोवर ने ड्राइविंग चैलेंज में 19 मोड़ की चढ़ाई और 999 खड़ी सीढ़ियों को 21 मिनट में चढ़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। नंबर 5, द सिचुआन तिब्बत हाईवे की एक खतरनाक हाईवे जो कि चाइना में बनाया गया है। इस रोड से गुजरते वक्त आपको बड़ी बड़ी चट्टाने और बहुत सारी नदियाँ दिख जाएंगी। इसे आज से 64 साल पहले बनाया गया था। कमाल की बात ये है कि साल के अधिकतर समय तक ये हाईवे बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढके रहने के कारण कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगना आम बात है। जो लोग इस रोड पर ट्रक चलाते हैं वो सामान को पहुँचाने के लिए एक हफ्ते से ज्यादा का समय लेते हैं। अगर उनका ट्रक
जाम में फंस गया तो कई दिनों तक जाम में फंसा रहेगा। और साथ ही बता दे कि इसमें लोगों को ऑक्सीजन मास्क की भी जरूरत पड़ती है। आगे जाते जाते वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाता है। नंबर 4, एक्वाडोर में बना ये रेल रोड सबसे खतरनाक तो है ही, साथ में ये पर्यटकों के बीच काफी फेमस हो चुका है। इसका इतिहास 19वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब यहाँ के राष्ट्रपति ने इस रेल रोड को बनाने का आदेश जारी किया था। उस वक्त अमेरिका के लोगों को बुलाया गया था और उन लोगों को यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसमें एक दिक्कत है, द डेविल्स नोज। ये एक 800 मीटर की खड़ी चट्टान थी। इस पर रोड बनाना लगभग नामुमकिन था। और कमाल की बात तो ये है कि इस रेल रोड की कंस्ट्रक्शन पूरे 100 साल तक चली थी। इन 100 सालों के बीच यहाँ ट्रेन चलनी शुरू हो गई। 1997 के बाद इस ट्रैक पर लोगों ने काम करना बंद कर दिया और अब भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी से ये ट्रैक खत्म हो चुका है। सिर्फ 12 किलोमीटर की कुछ पटरी है जो आज भी काम में ली जाती है। आज ये रोड एक पर्यटन स्थल बन चुका है। नंबर 3, इशिमा ओहाशी ब्रिज। जापान में बना ये ब्रिज मत्सुई शहर को जोड़ता है और ये ब्रिज जापान का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज है। साथ ही इसे दुनिया में सबसे खतरनाक ब्रिजेज में गिना जाता है। असल में पहले ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले इस ब्रिज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल ही में एक कंपनी ने इस ब्रिज की फोटो का इस्तेमाल अपनी मिनी वैन की एडवर्टाइजमेंट में किया और इस वीडियो को कुछ इस एंगल से शूट किया गया, जिसे देखने पर ये ब्रिज बिल्कुल नामुमकिन सा, बिल्कुल सटीक लग रहा है। वो अपनी गाड़ी को ब्रिज पर चढ़ाकर प्रदर्शन करना चाहते थे। और इस ब्रिज की खास बात ये है कि साइड से देखने पर आपको ब्रिज की खड़ी चौड़ाई नहीं दिखाई देगी। नंबर 2, द पुक्सी विडा। अगर आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी चलाते हुए चिढ़ होने लगती है तो आप इस शंघाई चाइना की सड़क पर गाड़ी चलाना पसंद नहीं करेंगे। पुक्सी विडक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस रोड है। यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि हर घंटे यहाँ से हजारों के काउंट में गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं। आपको इस सड़क पर जाने से पहले इस सड़क के बारे में जानना पड़ेगा, नहीं तो इस सड़क के भूल भुलैया के कारण आप कहीं से कहीं चले जाएंगे। नंबर 1, हाईवे थ्रो बिल्डिंग। ये एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है जिसमें से सड़क होकर गुजरती है। खास बात ये है कि इस बिल्डिंग के ऊपर नीचे लोग रहते हैं। दरअसल जापान की सरकार को यहाँ पर एक हाईवे बनाना था, लेकिन बिल्डिंग के मालिक ने अपनी जमीन सरकार को देने से मना कर दिया था, जिसके बाद सरकार को 5वें और 7वें फ्लोर से हाईवे बनाना पड़ा। और खास बात ये है कि सरकार इस बिल्डिंग के मालिक को 5वें और 7वें फ्लोर का किराया भी देती है। तो दोस्तों, आप इन सड़कों पर गाड़ी चलाना पसंद करेंगे, यस और नो, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।